तो दोस्तों स्त्री 2 का टीजर ऑफिशियली रिलीज कर दिया गया है। ये एक मिनट का छोटा सा टीजर काफी इंटरेस्टिंग है और अपने साथ ऐसी कई सारी छुपी हुई डिटेल्स लेके आया है जिससे हमको इस मूवी की स्टोरी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होता है। एंड आई गारंटी कि बहुत से लोगों ने इंक्लूडिंग यू उन डिटेल्स को मिस कर दिया होगा। तो आज हम लोग ऐसी ही कुछ डिटेल्स या फिर यूं कहें हिडन डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिन्हें आपने शायद मिस कर दिया होगा। साथ में ये वीडियो एक यूजुअल मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो से थोड़ी सी अलग है और अगर आपको ऐसी वीडियोस में इंटरेस्ट है एंड ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो नाउ विद दैट बीइंग सेड, चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। टीजर की शुरुआत में हम गांव में स्त्री की एक बड़ी सी मूर्ति को देखते हैं। ये गांव वालों ने स्त्री के सम्मान में बनवाई थी और वो रोज इसे दूध से नहलाते भी थे। और यहीं से मेरा फर्स्ट पॉइंट भी आता है। पर्सनली मुझे ये लगता है कि स्त्री इस मूवी की मेन विलन नहीं है। यहाँ तक कि स्त्री इस मूवी में एक नेगेटिव रोल प्ले ही नहीं कर रही है। अब इस पॉइंट के पीछे का रीजन ये है कि स्त्री थी केवल इज्जत की भूखी। उसकी इन गांव वालों से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। वो यहाँ के मर्दों पर हमला इसलिए कर रही थी क्योंकि उसे यहाँ से वो इज्जत कभी मिली ही नहीं जो उसे चाहिए थी। पर इस टीजर में हम लोग ये साफ साफ देख सकते हैं कि इन लोगों ने स्त्री की बकायदा एक बड़ी सी मूर्ति बनवाई है और ये लोग अब फाइनली उसकी इज्जत कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पर स्त्री की इन गांव वालों से दुश्मनी खत्म हो गई और जहां तक है वो अब इन पर हमला नहीं करेगी। साथ ही टीजर में हम एक सीन देखते हैं जहां पर कुछ बच्चे स्त्री बनकर एक दूसरे को डरा रहे थे। अब जहां पर कुछ समय पहले तक लोग स्त्री का नाम लेने से भी डर रहे थे, वहां पर आज बच्चे खुलेआम स्त्री का खेल खेल रहे हैं। तो इसका मतलब ये ही हो सकता है कि कहीं ना कहीं इस गाँव से स्त्री का खौफ खत्म हो रहा है। पर फिर सवाल ये उठता है कि अगर स्त्री ये सब नहीं कर रही है तो गांव में आतंक कौन फैला रहा है? तो इस बारे में हम लोग वीडियो में आगे बात करेंगे। सेकंड पॉइंट ये है कि इस बार मर्दों के साथ औरतें भी खतरे में हैं। इस पूरे टीजर में हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि जो भूत है वो मर्दों के साथ साथ औरतों को भी अपना शिकार बना रहा है। तो यहाँ पर वापस से वही पॉइंट आता है कि स्त्री केवल मर्दों को अपना शिकार बना रही थी। पहली मूवी में भी हमने देखा कि स्त्री ने किसी भी औरत पर हमला नहीं किया और गांव वालों से इतनी इज्जत मिल जाने के बाद वो उन्हीं पर हमला क्यों करेगी? तो यहां से ये बात और साफ होती है कि इस मूवी का मेन विलन कोई और ही है। थर्ड डिटेल ये है कि इस टीजर में हम 39 सेकंड्स पर एक औरत को देखते हैं जिसे किसी ने एक चोटी से बांध दिया है। अब दोस्तों अगर आपको याद हो, स्त्री 1 के एंड में श्रद्धा कपूर ने स्त्री की चोटी को काट कर अपनी चोटी से जोड़ लिया था, तो ये चोटी से बांधने वाली स्त्री तो नहीं हो सकती और मेरा मानना ये है कि ये श्रद्धा कपूर ही है। साथ में 36 सेकंड्स पर हम श्रद्धा कपूर को उसकी बड़ी सी चोटी को घुमाते हुए देखते हैं जिससे ये बात और पक्की होती है कि ये चोटी से बांधने वाली श्रद्धा कपूर ही है। तो हो सकता है, इट इज वेरी पॉसिबल कि हमें इस मूवी में श्रद्धा कपूर कहीं ना कहीं एक नेगेटिव रोल में नजर आए। तो अब सवाल ये आता है कि अगर स्त्री इस मूवी की मेन विलन नहीं है तो वो कौन है? अगर आपने इस टीजर को गौर से देखा हो तो 34 सेकंड्स पर हम रुद्र जी के हाथ में एक फोटो देख पाते हैं। इसमें हम लोग एक राजा के हाथ में एक आदमी का कटा हुआ सर देखते हैं और बहुत चांसेस है कि इस मूवी का मेन विलन ये सर कटा भूत ही है। एक मिनट के लिए स्त्री 2 की अनाउंसमेंट वीडियो की ओर चलते हैं। इसमें साफ साफ लिखा है सिर कटे का आतंक, जिसका मतलब इस मूवी में कहीं ना कहीं हमें सिर कटा भूत ही मेन विलन के रोल में नजर आएगा। अब जान लेते हैं कि ये सिर कटा भूत है कौन। तो ऐसा हो सकता है कि कई साल पहले किसी राजा ने एक गरीब आदमी का सर किसी वजह से काट दिया हो और अब बदला लेने के लिए ये सिर कटा भूत इस गांव में लौट आया हो। इसका एक और एविडेंस मिलता है जब हम गांव की दीवारों पर लिखा देखते हैं, ओ स्त्री रक्षा करना, जिसका मतलब इस गांव में स्त्री के अलावा कोई और एंटिटी जरूर मौजूद है। तो दोस्तों यही थी कुछ ऐसी डिटेल्स जिन्हें आपने शायद टीजर में मिस कर दिया होगा। अब ये केवल थ्योरीज हैं। हो सकता है कि ये डिटेल्स बिल्कुल ही गलत हो और ऐसा भी हो सकता है कि ये डिटेल्स मूवी की कहानी से कहीं ना कहीं मेल खाएं। पर अब सच्चाई क्या है वो तो हमें मूवी के आने के बाद ही पता लगेगा। तो यही था आज की वीडियो में। अगर आपको ऐसी ही टीजर और ट्रेलर ब्रेकडाउन की वीडियोस और चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।